नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रूपा सिंह। खबर आज रीवा से है। जिले में बढ़ रहे अपराधों को लेकर जहां आम जन भयभीत है, वहीं विपक्ष की सत्ता भी पक्ष के साथ साथ प्रशासन पर हमलावर हो गई है। विगत दिवस चौरहटा थाना क्षेत्र के पड़िया मोड़ में निकेश यादव एवं उनके भाई अरुणेंद्र यादव के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। हमले में निकेश यादव की मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दिनेश मिश्रा उर्फ गोरेलाल निवासी देवरा चौरहटा, अंकित पांडे तथा ब्रजेश कुमार पांडे को आरोपी बना दिया है। आरोपी बनाए गए युवकों के परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए उक्त मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोपी बनाए गए युवकों के परिजनों का बताना है, झूठे मामले में हत्या जैसे गंभीर मामले में फंसाया जा रहा है, जिसकी वह निष्पक्ष सीआईडी एवं सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अजय मिश्रा बाबा ने उक्त मामले में क्या बताया है। आज आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए किन मुद्दों को लेके? ये भैया अपना ये अमीरती पड़रिया के पास, पड़रिया मोड़ के पास अभी 23 तारीख को एक यादव परिवार के दो लड़कों के ऊपर हमला हुआ था। एक की हत्या हो गई और एक सीरियस घायल हो गए। इसमें उस गांव के दो तीन लोगों को, बेगुनाहों का भी नाम शामिल कर लिया गया। जबकि जो सीरियस है उन्होंने ये बताया था कि 6 लोग थे मारने वाले, इसमें से एक को हम पहचानते हैं। तो हम लोग आज एसपी साहब के पास पूरे गांव के लोग आए थे और ये निवेदन उनसे किया कि भाई आप निष्पक्ष जांच कराइए। हत्या हुई है तो अपराध तो बिल्कुल जिसने भी किया है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो किसी भी घर का हो, किसी के घर का एक लड़का चला गया, एक उसके औरत का आदमी चला गया, बेटे का बाप नहीं रह गया, तो जिसने भी हत्या किया है उस अपराधी को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। पर बेगुनाह भी ना फंसें, ऐसी व्यवस्था प्रशासन की होनी चाहिए। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी हम जांच कराएंगे और जो जाँच में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि बेगुनाहों को ना फंसाया जाए। और गांव के सारे लोग आज यहां आए हैं, इन लोगों का कहना है कि ये लोग थे ही नहीं वहां पर, जिनका नाम है जैसे ये अपना ब्रजेश पांडे, दिनेश मिश्रा, अंकित पांडे, ये वहां पर थे ही नहीं। और ये बड़े गरीब परिवार के लोग हैं, इनको साजिशन फंसा दिया गया। अब ये किसकी साजिश थी ये तो जांच पे ही समझ में आएगा। ये उस दिन की गवाही में वो लड़का बोल रहा था कि वो नाम नहीं जानता, केवल देखने का तो एक को पहचानता है। हाँ, हालांकि ये हुआ, इसके बाद क्या आप मानते हैं कि आप पुलिस कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? नहीं, पुलिस का की जो कार्रवाई है अभी वो संतोषजनक नहीं थी, इसीलिए अभी तक तो हम लोगों ने इंतजार किया। टीआई से बात हुई, टीआई ने भी ये बोला, कहा कि ये हमको मालूम है कि ये तीनों बेगुनाह है, पर किसी जो मुद्दई है उसने FIR करा दिया, FIR में इनका नाम आ गया। तो TI का ये कहना है कि FIR से नाम हम नहीं काट सकते हैं, हम इसकी जांच करेंगे। तो हमने सोचा कि सक्षम अधिकारी SP होते हैं, उनको एक ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने अवगत कराया है कि जो ये हत्या हुई है उसमें जो अपराधी उनको पकड़ा जाए, दंडित किया जाए, सही अपराधी पकड़ा जाए, जो बेगुनाह हो उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। एक दिन चाकू और गोलियां चल रही हैं और सिविल लाइन ज़्यादा क्या कहेंगे? देखिए, अपराध का तो ग्राफ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद, लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरेक्स नसब के केस लगातार बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। पर्दा में गोली चला दिया, यहाँ चाकू मार दिया, तो ये जो अपराध है तो इस पर अंकुश प्रशासन नहीं लगा पा रहा। उस विषय में भी हम लोगों ने SP साहब से बोला और ये भी बोला कि जहाँ हम लोगों का सहयोग की आवश्यकता है, आप बताइए, शहर में ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है, चौराहों में कट खुले हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये गणपति का त्यौहार निकल जाए, इसके बाद अपन लोग बैठ के इस सब विषय में बात करेंगे।